बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर रहता है कॉन्स्टेंट प्रेशर टू ऑलवेज लुक गुड, जिसकी वजह से कई एक्ट्रेसेस जाती हैं अंडर द नाइफ। अब इस पर सारा अली खान ने दिया है बड़ा स्टेटमेंट, लेट्स हैव अ लुक। It's an open secret that quite a lot of actresses in the showbiz go under the knife to look a certain way or to enhance their features, especially since there's a lot of pressure on them to look their best almost at all times. और इस इशू पर सारा अली खान से करण जौहर ने अपने शो पर पूछा, क्या उनके ऊपर प्रेशर है टू गो अंडर द नाइफ? Can I just say that I feel that you're right when you say there is pressure. But I think we have to get used to the fact that there is pressure, you know, because that is the time that we live in now. Somewhere down the line, you have to gather the inner strength to stand up to that pressure and be comfortable in your skin. वैसे सारा कुछ ही मूवीज पुरानी है, लेकिन शी इज ऑलरेडी एक्सेप्टिंग टू द फैक्ट कि बॉलीवुड में कितना प्रेशर है। एंड ये जो प्रेशर है यूजुअली आपके क्लोज सर्कल से आता है, भले वो आपके मेकअप दादा हो, आपके पीआर के पर्सन हो, या फिर समबडी दैट यू आर शूटिंग विद। एंड वी हैव सीन लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस गिवन टू द प्रेशर। आई रिमेंबर अनुष्का शर्मा हैड कम एंड सेड कि यार मेरे को किसी ने बोला कि शूट करते हुए दैट हाउ माय लिप्स आर रियली स्मॉल, एंड देन आई हैड टू इंजेक्ट देम, एंड देन वन ऑफ द अदर चैट शोज विद करण ओनली इज वेयर शी हैड टू एक्सेप्ट कि यार दिस इज अ लिप जॉब गॉन रॉन्ग। एंड हमने काफी बार देखा है कि यार ये प्रेशर तो है ही एक्ट्रेसेस के ऊपर, बट लाइक सैफ सेड, सैफ वाज आल्सो एट द चैट शो एंड ही सेड कि यार शायद होता होगा, शायद दिस इज आल्सो एन इनसिक्योरिटी जो इतनी खूबसूरत एंड टॉप ऑफ द लीग एक्ट्रेसेस के ऊपर होती होगी, बिकॉज दे आर सो ब्यूटीफुल एंड द मिनट एज स्टार्ट्स कैचिंग अप, शायद आपको आप उस प्रेशर में खुद भी गिर जाते होंगे कि यार व्हाट्स हैपनिंग टू मी। इनफैक्ट बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, बस कुछ खुल के एडमिट करती हैं, कुछ कहती हैं नहीं हमने नहीं कराई, ये कई सुनी बातें हैं। फॉर एग्जांपल यू नो अनुष्का शर्मा का आपने एग्जांपल लिया, मोनी रॉय के बारे में कहा जाता है, प्रियंका चोपड़ा के बारे में कहा जाता है, ऐश्वर्या राय के बारे में कहा जाता है, शिल्पा शेट्टी, इनफैक्ट यू रिमेंबर कोयना मित्रा, राइट, कोयना मित्रा का तो प्लास्टिक सर्जरी वो जितनी बार अंडर द नाइफ गई और वो खराब ही होता गया। एब्सोल्युटली, सो आई मीन दैट्स अ वेरी रिस्की थिंग टू डू, राइट। इनफैक्ट फॉर श्रीदेवी आल्सो आई थिंक इट वाज सेड दैट हाउ शी गॉट अ नोज जॉब डन, एंड ऐसी काफी सारी बातें आती रही, एंड आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाई दे गो थ्रू दिस इनसिक्योरिटी, की भले मीडिया को बताए या ना बताए दैट दे हैव गॉन थ्रू दिस, बट द फैक्ट इज दैट द प्रेशर इज लॉट। इवन तापसी पन्नू हैज एक्सेप्टेड दैट, उनको भी कहा गया था लाइक यू वर मेंशनिंग, क्योंकि नाक काफी बड़ी है। मैं एक जगह इंटरव्यू में पढ़ रहा था तो तापसी ने वहां पे बताया था उन्हें किसी फिल्म के डायरेक्टर ने या किसी ने तो कहा था दैट यू नो यार थोड़ी सी दिक्कत है, कुछ करना चाहिए, एंड तापसी सेड नो, आई मीन शी इज वेरी मच कंफर्टेबल इन हर ओन स्किन, सो दैट्स की बात है, राइट। लाइक किसी के लिए आप सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान हो, लाइक आई कांट इवन सी कि ये टॉप लीग एक्ट्रेसेस में कोई कमी भी ढूंढ सकता है, एंड फॉर समबडी एल्स की आपकी नाक में प्रॉब्लम। सो गुंजन द प्रॉब्लम इज, ये देखो आप ना अगर प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहते हो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इट्स योर चॉइस, लेकिन तब कराओ जब आपका मन हो, जब आप चाहते हो, नहीं यार पता है कराना चाहिए, I want to do this, इसलिए yeah. नहीं कि गुंजन फॉर एग्जांपल आपको प्लास्टिक सर्जरी आप इसलिए कराने जा रहे हो क्योंकि यार इसने बोल दिया था ना मेरी ना थोड़ी नाक में दिक्कत है, राइट। आई रिमेंबर, आई कांट रिमेंबर किसने कहा था, बट समबडी हैड आल्सो सेड कि यार अगर किसी इंसान ने आपको बोला कि अच्छा ये खराब है इसको ठीक करा ले, श्री लाइक मैं जाऊंगी 50 दिन के लिए वो खुश रहेंगे, उसके बाद 60वें दिन दिल हैव अनदर प्रॉब्लम विद मी, तो मैं कब तक अंडर द नाइफ जाती रहूंगी। एंड द प्रॉब्लम इज कि जब तक यू वांट टू फिक्स ऑल दीस थिंग्स जो एक्चुअली हमारे हाथ में नहीं है, यू कांट रियली डू अबाउट इट, एंड ये एक ऐसी साइकिल है जहां पर विशियस साइकिल वेयर यू कैन गेट caught, and we've seen a lot of Hollywood actors have bad Pamela Anderson, exactly, like really bad plastic surgery jobs done to them, and you can't take that risk with yourself. Like Sara said ki yaar agar hum 96 kilos ke ho to of course go change yourself, go hit a gym. Yeah, if you're not happy with your body and do the changes that you want to do, but I think then at some place you have to accept who you are, and agar is frivolous Bollywood industry में अगर आप सबकी बातें सुनते रहेंगे तो फिर खुद की कब सुनेंगे, तो खुद की सुनिए, and I hope that सारा just sticks to this understanding that she now has even 20 years later and doesn't give in to this pressure. You know, इतनी अच्छी बातें कर रहे हो, मन करा मैं तुम्हारी सुनूं बस। क्या बात है, that's the first.